आम आदमी पार्टी की स्थापना को 11 साल हो गए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में और राजनीति की सूरत बदलने के दावे से पॉलिटिक्स में उतरे थे। इन 11 सालों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ हासिल किया। दिल्ली और पंजाब के लोगों का भरोसा जीता, क्षेत्रीय से नेशनल पार्टी तक का सफर तय किया। लेकिन क्या केजरीवाल अपने दावों पर खरे उतर पाए हैं? जवाब है नहीं। केजरीवाल ने जो जो कहा उसका एकदम उल्टा किया। लोकपाल आंदोलन से शुरू हुए इस सफर की नींव ही थी भ्रष्टाचार का सफाया। केजरीवाल ने लोगों के मन में ही भरोसा जताया कि नई तरह की राजनीति होगी, वीआईपी कल्चर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन ये सारे दावे दावे ही रह गए। अब केजरीवाल के पास जेट सिक्योरिटी है और सरकार के सारे मंत्री सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और आम आदमी का इन तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। सुरक्षा की बात करें तो कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े जा रहे हैं और एक दो मॉडल स्कूलों को छोड़कर सारे स्कूल खस्ता हाल में हैं। ये है हकीकत। केजरीवाल के सफर के शुरुआती साथी जिनकी बदौलत ये आंदोलन खड़ा हुआ, फिर वो चाहे अन्ना हजारे हो, किरण बेदी हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो या फिर कपिल मिश्रा, एक एक करके साथ छोड़ते गए। वजह थी केजरीवाल का पुराने लोगों की जगह नए चापलूसों पर ज्यादा भरोसा जताना। केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और सरकारी बंगला तक लेने से इनकार कर दिया। बाद में उन्हीं केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाया है जहां करोड़ों के तो पर्दे लगे हैं। अब आ जाते हैं भ्रष्टाचार पर। खुद को ईमानदार बताने वाले गले गले तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके हैं। 144.36 करोड़ का शराब घोटाला हो या फिर 500 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, केजरीवाल सरकार के आरोपों के घेरे में है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तीन बड़े मंत्री करप्शन चार्जेस में जेल में हैं। और केजरीवाल के पास बचाव में कहने को एक ही लाइन है, ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन क्या असल में केवल ये कह देना काफी है? केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और इसलिए अब वो राष्ट्रीय राजनीति में इंडिया अलायंस का हिस्सा है। लेकिन केजरीवाल अपनी छवि के विपरीत इन 11 सालों में एक गंभीर राजनेता की जगह यू टर्न लेने वाले झूठे नेता ज्यादा साबित हुए हैं।